दिल्ली के अरबपति नेता दीपक भारद्वाज हत्याकांड में पुलिस भले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अभी ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस केस में गिरफ्तार किए गए दोनों शूटर पुरुषोत्तम और सुनील ने पूछताछ में बताया है कि उनका 70,000 रुपए को लेकर भारद्वाज से विवाद चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में पता चला है कि सुनील ने पुरुषोत्तम से हथियार मांगे तो उसने कहा कि भारद्वाज को मारना है और बदले में वो उसे हथियार के लिए पैसे देगा। इसके बाद उन्होंने राकेश से कार मांगी और उसका नंबर बदल दिया। फिर उन्होंने ड्राइविंग के लिए अमित को 2,000 रुपए देकर तैयार किया। हत्या के दिन कार में यही तीनों थे। हालांकि पुलिस को उनकी इस कहानी पर यकीन नहीं है। भारद्वाज हत्याकांड में इन तीनों के साथ ही स्कोडा कार के मालिक राकेश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राकेश को सोमवार को ही कोर्ट ने 10 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया, जबकि बाकी आरोपियों को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमने जो मेन अभियुक्त थे उनको पकड़ लिया है। अब जो आगे की तफ्तीश में निकल के आएगा वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। जैसे से इन्वेस्टिगेशन में जरूरत पड़ेगी वी विल कीप अरेस्टिंग। खास बात यह है कि इस केस में भारद्वाज के परिवार वालों के साथ ही उनके करीबियों पर भी पुलिस की नजर है। पुलिस ने भारद्वाज परिवार के करीबी एक पायलट से भी पूछताछ की है। राकेश मलिक नाम के संदिग्ध को तब हिरासत में लिया गया जब पुलिस ने पाया कि वो शार्प शूटर और मुख्य आरोपी के बीच बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था। भारद्वाज हत्याकांड में उनकी पत्नी रमेश कुमारी, बड़े बेटे हितेश और छोटे बेटे नितेश को भी पुलिस ने अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो दीपक भारद्वाज के बड़े बेटे हितेश को भी यहाँ पर बुलाया गया था। जो राकेश है और अमित है वो भी मौजूद था और हितेश को भी यहाँ पर बुलाया गया था। पुलिस का ये कहना है कि वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो कौन बंदा था जिसने दीपक भारद्वाज को मरवाया है और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है।